हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा? पूरी खबर जानिए इस वीडियो में। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फार्मेट है जिस फार्मेट को आज से कई साल पहले शुरू किया गया था। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में टेस्ट क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। आने वाले समय में अगर इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट रहा तो टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा? पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने एक बयान दिया है, जिस बयान के मुताबिक उनका मानना है आने वाले 15 से 20 सालों में टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सकलेन मुश्ताक ज़बरदस्त टेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट आने वाले समय में नहीं होगा। जिस तरह के खिलाड़ी रह चुके सकलेन मुश्ताक है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, ज़बरदस्त स्पिनर थे। उनका कहना क्या टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय की बात की जाए तो ज़्यादातर खिलाड़ी सिर्फ T20 क्रिकेट और लीग्स वगैरह ही खेलते हैं। फ़िलहाल की बात की जाए इस समय T10 लीग भी खेली जाती है, यानी 10 ओवर के मुकाबलों में इस समय ज़्यादातर खिलाड़ी जा रहे हैं। इसे साफ ज़ाहिर होता है कि आने वाले 15 से 20 सालों में टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी 15 से 20 साल के बाद क्या टेस्ट क्रिकेट होगी या नहीं होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पिनर सकलेन मुश्ताक का मानना है कि आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट नहीं होगा।